जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हमारे चंपारण में या खसूसन महसी में गालिबन पहली मरतबा अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला तशरीफ लाए हैं, लाए हैं ना, सुनेंगे ना, जरा बोलिए ना, इंशाल्लाह बेदार हो जाइए, तैयार हो जाइए, ज़हनी तौर पर एक यानी एक माहौल बरपा होना चाहिए। या हुसैन कहते हुए इस तरह उठाइए नारे तकबीर लहरा के, नारे रिसालत मसलके आला हजरत सरकार महसी कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। हजरत का नजरिया है, हजरत का पैगाम है कि सनत गुलामी की ले और कादरी बन जा, तुफैल ख्वाजा अजमेर जन्नती बन जा। हसद की आग में जलने से फायदा क्या है, रजा का थाम ले दामन बरेलवी बन जा। वाह, एक साहब खड़े होकर सरकारे महसी के नाम पर खड़े हो जाइए, नारा लगाइए। एक साहब, नारा लगाने वाले साहब को खड़ा होना है। इस्लाम भाई, हाँ, दीवाने का नारा देखिए, जवाब तो दे दीजिए आप खुल के। एक अल्लाह के मुकद्दस वली जो चिश्तिया सिलसिले से ताल्लुक रखने वाली जात, जिनके फैजान की चादर हमारे और आपके सरों पर तनी है, उन्हीं के प्रोग्राम में आए हैं। और अल्लाह वालों को अल्लाह ने वो पावर दिया है, वो दिल के हालात भी जाना करते हैं। दुनिया पर थे, फिर दुनिया से पर्दा, दुनिया से रुखसत हो गए, तो जितना पावर उस वक्त था जब दुनिया पर थे, अल्लाह तबारक व ताला अपने मकबूल बंदों का पावर दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद बढ़ा दिया करता है। याद रखना, बादब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह के वली की बारगाह में अगर कुछ मिल सकता है तो बेअदबी करने से कुछ जा भी सकता है। तकरीर करने के लिए या इन लोगों को शायरी करने के लिए हिंदुस्तान पड़ा है, मगर कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां पर तकरीर नहीं की जाती है बल्कि तकदीर बनाई जाती है। एक अल्लाह के वली, तवज्जो रखें, बातचीत नहीं होनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया। एक अल्लाह के वली जो पाए के बुजुर्ग हैं, जिनका नाम सैयदना शाह हाफिज जमालुल्लाह अलैहि रहमा, उनके खलीफा लखनऊ के रहने वाले जिनका नाम मौलाना फिदाली, उन्होंने बुलाया पीरो मुर्शिद को, मोहल्ले में ऐलान, खुशियां, सजावट, मगर कुछ लोग ऐसे थे जो उनकी खुशी में किसी तरीके की बदनज़मी फैलाना चाहते थे। वो लोग कौन? मजाहिया लोग, ताली बजाने वाले लोग, जो ताली बजा बजा करके मांग करके खाते हैं, जिनको हिजड़े भी बोलते हैं, यहां क्या बोलते हैं वो लोग। उन्होंने कहा अच्छा, एक आले रसूल अल्लाह का वली मौलाना फिदाली इतने ऐलान कर रहे हैं, चलो हम इनको चेक करते हैं, मजा लेते हैं जरा मजा। आज अल्लाह के वली का चलो उनकी खुशियों में आज
मजा और बदनज़मी फैलाते हैं। अंदाज बदल गया मगर प्यारे अल्लाह वाला दिल के हालात को जाना करता है। बड़ी बड़ी दूर से आए ये सैयदज़ादे बैठे हैं। अल्लाह वाला दिल के हालात को जाना करता है, तुम्हें लगता है वो मजार शरीफ है वहां कब्र में लेटे हुए, मगर उनसे तुम्हारे दिल के हालात छुपे हुए नहीं है। मैं तो कहीं भी तकरीर कर लूंगा, ये कहीं भी नात पढ़ लेंगे। सारे हालात जानते हैं हम, आपके कपड़ों को देखते हैं वो आपके दिल को देखते हैं। अल्लाह अल्लाह जैसे ही हाफिज शाह जमालुल्लाह आए, उन्होंने मशवरा कर लिया का एक शख्स को हम कफन पहना देंगे, इसको मुर्दा साबित करेंगे, इतना रोएंगे किसी को चेहरा देखने नहीं देंगे, इतना रोएंगे कहेंगे उनके कदमों पे गिरेंगे, सरकार हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ा देना। और एक बंदे को मुतय्यन कर लिया, तू लेटे रहना, जैसे ही नमाज जनाजा हो वो अल्लाहू अकबर कह करके नियत बांधे, सना पढ़े अल्लाह अकबर कह के, दुरूद फिर अल्लाह अकबर कह के, दुआ फिर अल्लाह अकबर कह के, सलाम फेरे, जब कहे अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह तो तुम उठ के जवाब देना वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। फिर हम मजाक बनाएंगे उनके पीर की, फिर हम देखेंगे कौन आले रसूल है, फिर हम देखेंगे कौन अल्लाह का वली है। कुछ लोग आते हैं ना, कुछ लोग आते हैं उसमें ऐसे होते हैं, प्यारे जरा जैन को सवाल ना, कितनी माँ बहने बैठी हैं, कुछ लोग इस नियत से भी आते हैं, उधर खड़े नहीं होते जिधर प्रोग्राम हो रहा, उधर खड़े होते हैं जिधर औरतें गुजरती हैं, ऐसे भी। मगर तुम्हें कोई कोने में देखे या ना देखे, जो मजार में अल्लाह का वली आराम फरमाए वो जरूर तुम्हारे हालात भी जानता है। ओ घर से निकलने वालों, कोनों में चुप चुप करके तेरी मेरी बहन बेटियों को इशारे करने वालों, या बदनज़मी फैलाने वालों, कोनी मारने वालों, नियत अगर खराब है तो ये दिल के हालात जानते हैं। जब भी अल्लाह वाले की बारगाह में आया करो तो दिल संभाल के आया करो। क्या क्या करो बोलो, ये जानते हैं। अल्लाह अल्लाह जरा सुनो, उन्होंने एक शख्स को लिटा दिया, कफन पहना दिया, रोने लगे, इतना रोए मौलाना फिदाली के कदमों पे आकर के गिर गए और कहने लगे हजरत तुम्हारे पीरो मुर्शिद आ रहे, आले रसूल आ रहे, सैयदजादे आ रहे, सरकार हमारे मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़वा देना। कहो रो मत, अगर सैयद शमीम साहब के अगर कोई कदमों पे आके कहने लगे तो क्या होगा, यही तो होगा। कहो रो मत, मैं पढ़वा दूंगा, जैसे आए जनाजा तैयार है, कपड़ा बिछा हुआ मुसल्ले की जगह पर, जनाजा चारपाई पे रखा हुआ, हाफिज शाह जमालुल्लाह आ गए। अल्लाह अल्लाह जरा तवज्जो रखना, उनसे पाक में आने वालों आज अपनी खबर ले लेना, जैसे ही हाफिज शाह जमालुल्लाह आते हैं का सरकार नमाज जनाजा पढ़ा ली है, मुस्कुरा के बोले मौलाना बिदाली चलो आज हम देख लेते हैं किसकी पढ़ानी है। जैसे ही कपड़े पर खड़े हुए, यानी मुसल्ले पर खड़े हुए, जनाजा सामने रखा था, इस अल्लाह वाले की नजरों से नहीं छुप सकता था। ये माथे की आंखें तो बंद कर ली मगर अंदर की जब खुलती है तो हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देख लिया, ये मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। और समझ गया, ये मजाक के लिए कर रहा, हंसी ठिठके के लिए कर रहा। कुछ मेरी बहन भी ऐसी आती है, बच्चियां भी ऐसी आती है, उन्हें कोई मतलब नहीं है उर्से, उन्हें कोई मतलब नहीं है दुआ से, उन्हें कोई मतलब नहीं है कुछ मांगने से। हालांकि औरतों का मजा रात पर आना जायज नहीं है, ये भी सुन ले, मगर कुछ ऐसी होती है जो इधर उधर घूमती है, उधर को ज्यादा भागती है, जिधर लड़के खड़े होते हैं, जिधर हंसी मजाक ठिठक होता रहता। तुम भी कान खोल के सुन लेना, किसी दुनिया वाले की महफिल में नहीं आई हो, अल्लाह वाले की महफिल में आई हो। यहाँ पर आए थे तो गुनाहगार थे, और जब यहाँ से जाओ
तो तौबा करके जाना। और यही कहना, अगर आज से हम खाएंगे तो हमारे खाने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे पीने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे सोने की अदा बोलेगी नबी नबी, हमारे चलने की अदा बोलेगी नबी नबी, हर हर धड़कन बोलेगी नबी नबी। अब तुम कहो या ना कहो कि हम गुलाम नबी, तुम्हारा जनाजा अगर जाता होगा तो हर गली से फरिश्ते कहेंगे ये है गुलाम नबी। वाह वाह वाह। उधर मुर्दा जिंदा जो था वो मुर्दा बना हुआ लेटा है, हाफिज शाह जमालुल्लाह ने देख लिया, पीछे को मुंह किया, बोले जिंदे की नमाज पढ़ाओ या मुर्दे की? क्या बोले? जिंदे की नमाज पढ़ाओ या मुर्दे की? सारे लोग कहने लगे सरकार इधर थोड़ी है, वो रखा ना मुर्दा। मगर उनकी नजर और थी और अल्लाह वाले की नजर, कहा जिंदे की नहीं मुर्दे की पढ़ाओ। फिर हाफिज जमालुल्लाह ने कहा सोच लो पूछ लो कौन है वली, जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की? का सरकार मुर्दे की पढ़ाओ। फिर तीसरी मर्तबा पूछा जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की, तो सारे लोग कहने लगे मुर्दे की। हाफिज जमालुल्लाह बोले नहीं मानते लो तो चलो मैं इसी मुर्दे ही की नमाज जलादा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह वाले की जबान से निकलना था वो जिंदा मुर्दा हो गया। और मजाक बनाने वालों, तेरी मेरी बहन बेटियों को तकने वालों, कुछ लड़के तो आते इसी नियत से है, चलो मोबाइल पे बात हो गई है, उर्स में चल के बात होगी, कहाँ कहाँ बात होगी, क्या क्या बात होगी, लोगों मुझे पता चले या ना चले, मगर अल्लाह वाले को जरूर पता चलता, वरना आज तुम्हें तोबा करके जानी होगी। जरा आगे को तकरीर भी तो सुनना, लेकिन सुनो, हाफिज जमालुल्लाह कहते मुर्दे की नमाज पढ़ाए देता हूँ, वो जिंदा मुर्दा हो जाता। अल्लाहु अकबर कह के नियत बांध ली, सुभाना पड़ी फिर अल्लाहु अकबर, फिर दुरूद फिर अल्लाहु अकबर, फिर दुआ फिर अल्लाहु अकबर कह करके सलाम फेर दिया, मगर वो नहीं उठा क्योंकि जिंदा था वो मर चुका है। ये पढ़ा के नमाज जनाजा मस्जिद में पहुंच जाते हैं, जैसे ही मस्जिद में गए सारे लोग जितने भी मजाहिया थे वो समझने लगे कि ये सो गया, इसे नींद आ गई है, पूरा मिशन खराब कर दिया, पूरा मिशन चौपट कर दिया, पूरा हमारा जितना खेल था वो खत्म कर दिया। मगर क्या पता था अल्लाह वाले की बारगाह में नहीं चलती है प्यारे। जैसे ही उन्होंने पर्दा हटाया, मुंह से कपड़ा जब हटाया तो देखा तो वो जिंदा मुर्दा हो चुका था। सारे लोग रोते हुए हाफिज जमालुल्लाह की बारगाह में पहुंच जाते हैं, और जैसे ही पहुंचे रो रो करके कहने लगते हैं ए अल्लाह वाले हमें माफ कर दिया जाए, हमसे गलती हो गई, हम दुनियादार समझ रहे थे, हम हंसी मजाक ठीक ठाक कर रहे थे, लेकिन हमारा तो मुर्दा जिंदा था, आपने इसको मार दिया। हाफिज जमालुल्लाह बोले मेरी गलती नहीं है, मैंने पूछा था कि जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की, तुम लोगों ने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर मैंने पूछा तीन मर्तबा जब पूछा तो तुमने सबने यही कहा मुर्दे की नमाज जनाजा पढ़ाओ, मैंने मुर्दे की पढ़ा दी, मैं क्या करूं। जब इतना कहा वो लोग रो रो करके कहने लगे सरकार आप गौसे पाक की औलाद है, अल्लाह अल्लाह गौसे पाक की औलाद है, गौसे पाक भी मुर्दों को जिंदा किया करते थे, हमें पता चल गया जो अल्लाह वाला जिंदे को मुर्दा कर सकता है, तो जबान हिला दीजिए मुर्दा जिंदा भी हो जाएगा। हाफिज जमालुल्लाह ने मुस्कुरा के कहा नहीं मानते, जाओ तुम्हारा मुर्दा जिंदा हो गया। देखा तो कफन के साथ उठा हुआ चला रहा। अगर तुम्हारी महसी शरीफ में को कफन के साथ आ जाए तो लोग कहां होंगे? सारे के सारे खेतों में। इतने डरपोक लोग। मगर प्यारे ये सुनाने का मकसद बगैर तमहीद के, मैंने इनके बारे में भी कुछ नहीं बताया क्योंकि खल्फशारी हो रही थी, मैंने पहले इसलिए बता दिया कि तुम किसकी महफिल में आए हो, अल्लाह वाले की महफिल में आए हो, जो दिल के हालात